man space man, enter. So it will give me the information of everything regarding man. So it is an interface to the system reference manual. So manual iske syntax ye hai, and man command works with these many options, hyphen k, hyphen f, hyphen l. ठीक है, उसका description है यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, that you can read कि for what purpose manual command is used. Now q for quit यहाँ लिखा है. ठीक है, okay, तो मैं यहाँ q press करूँगी तो I will be out of this man command. Man is simply for giving information about any command. Suppose I am want to know about help command. So if I'll write man help, I'll get information of help command. Okay. तो यहाँ पे आपको help command के regarding सारी information मिल जाएगी. Okay. Then Q. Okay. Mkdir. So suppose if I want to make directory. Okay. So I will use the command mkdir. तो सपोज मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो आई विल यूज एम के डी आई आर एंड डायरेक्टरी का नेम मैं दे रही हूँ ओएस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो नाउ इट हैज मेड दिस एम के डी आई आर डायरेक्टरी. ओके, नाउ इफ आई वांट टू मूव इनटू और गो इनसाइड दैट डायरेक्टरी तो मैं क्या करूंगी, सी डी यानी कि चेंज डायरेक्टरी, सी डी ओ एस. नाउ अभी मैं ओ एस के अंदर, ठीक है, ओएस डायरेक्टरी में हूँ मैं अभी. ठीक है, सो व्हाट एवर वर्क आई विल बी डूइंग नाउ इट विल बी इनसाइड ओएस. ये इस तरह से हुआ कुछ, एक तरह से आप ये कह सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है, फोल्डर का नाम ओएस रख दिया. ओके, उसके इनसाइड जाके मैं अब कुछ भी काम करूंगी दैट विल बी इनसाइड दिस फोल्डर. अगेन अगर इसके अंदर जाके मैं एक और फोल्डर बना रही हूँ, मान लो सी एस ई वन, ठीक है, आई कैन मेक अनदर फोल्डर इनसाइड ओएस. तो यहाँ पे एक और फोल्डर बन गया. इन द सेम वे अभी मैं ओएस के अंदर जाके एम के डी आई आर सपोज सी एस ई वन नाम का मैंने एक और डायरेक्टरी बनाई. सो नाउ आई वॉन्ट टू मूव इनसाइड सी एस ई वन, तो सी डी स्पेस सी एस ई वन. So now I am inside CSE1. Okay, here you can see. Now, तो मैंने क्या किया, मैं पहले OS directory में गई, उसमें मैंने again एक और CSE1 नाम का directory create की, फिर मैं CSE1 में move हूँ. अगर मुझे वापस back आना है तो what I will use cd space dot dot. तो आप देख सकते हो मैं CSE1 से वापस OS पे आ गई. अगेन मुझे OS से root पे जाना है तो cd space dot dot. Okay. So here you can see now I am inside this root directory. Okay. So main directory is root directory. उसमें मैंने OS create किया. OS में मैंने CSE1 use किया. Okay. So mkdir is used for making directory. rmdir. So remove. If we want to remove, then we can remove also. So suppose cd space OS. Cd space CSE1. ठीक है. अब आई वॉन्ट टू रिमूव सी एस ई वन, तो सी डी स्पेस डॉट डॉट करते हैं. हम अभी ओ एस पे हैं. आई विल यूज आर एम डी आई आर स्पेस सी एस ई वन, तो यहाँ पे वो रिमूव कर देगा उसको. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉम्प्ट नहीं देगा दैट द डायरेक्टरी हैज बीन रिमूव, बट अगर कोई एरर नहीं है इट मीन्स दैट डायरेक्टरी इज रिमूव. ओके, तो rmdir is used for removing the directory. Okay. Then cd मैंने आपको बताया. pwd is again for password. Okay. Changing password और password के लिए use होता है for directory. ls command will list all the files. For example, suppose cd space dot dot. So I am inside root now. So if I'll write ls, it will give me the name of all the files and directories or whatever the contents are there inside that account, inside the root, वो सारे contents हमें display करेगा ls command. Okay? समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes ma'am. Yes ma'am.
मैम पीडब्ल्यूडी तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए नहीं होता, हाँ पीडब्ल्यूडी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। हाँ एक मिनट पीडब्ल्यूडी ओके हाँ यस प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी सो इट इज गिविंग मी रूट सो रूट इज द वर्किंग डायरेक्टरी राइट यू आर राइट थैंक्स सो पास डब्ल्यू डी इज फॉर पासवर्ड एंड पी डब्ल्यू डी इज फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी ओके देन वॉट इज द नेक्स्ट कमांड एम वी ओके तो सपोज एल एस हमने किया we have hello.c bench.py these ye do files hai hamare paas suppose if I want to move hello.cse from this root to os to main kaise kar sakti hu mv move command se mv stands for move move hello.c okay and give the name of destination directory enter now go to destination directory डायरेक्टरी सी डी ओ एस ओ एस में हमने जाके एल एस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो डॉट सी यहाँ पे आ गया है ठीक है हमने हेलो डॉट सी को रूट अकाउंट से ओ एस डायरेक्टरी में शिफ्ट कर दिया है नाउ अगर मैं सी डी स्पेस डॉट डॉट करती हूँ बैक जाती हूँ अब एल एस करती हूँ यहाँ हियर यू कैन सी यहाँ पे हेलो डॉट सी नहीं है वाई बिकॉज इट इज मूव फ्रॉम रूट टू ओ एस क्लियर इतना Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, VI editor. So there are many editors, but only VI editor will work here. So I'll tell you about VI editor. बाकी सबके लिए आप सिर्फ general description लिख दो, चलेगा. Okay. तो VI editor भी है क्या VI editor? Suppose मुझे एक file create करनी है. अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? Directory create कर रहे थे. But suppose if I want to create a file and write something inside it, I can do it using editor. जैसे हमारा word editor होता है, text editor होता है, same way Linux में भी editor तो होगा ही, okay? So वो editor हम use कैसे करेंगे? That is VI editor. So if I am writing VI and I have to give the name of file, तो name of file में क्या दूँ? Suppose I am giving name of file suppose hello okay vi space hello now is tarah ka kuch aayega what you have to do you have to press insert key aapko abhi yahan pe niche kya dikh raha hai hello theek hai hello is the new file created ab iske andar agar mujhe kuch likhna hai I won't be able to write until and unless I press insert command to wo ye bol raha hai press insert So I have to press insert command. जब मैं प्रेस करूंगी इंसर्ट कमांड तब वो मुझे यहाँ पे लिखने देगा ठीक है सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया पाकिस्तान ठीक है सब एशियन कंट्रीज लिस्ट आउट कर रही हूँ मैं इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नेम्स लिखे नाउ आई विल प्रेस एस्केप ठीक है कोलन नीचे आप देखो नीचे नोटिस करो कोलन आया डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू इज फॉर सेविंग द फाइल एंड क्यू इज फॉर क्विट अगर आप डब्ल्यू नहीं लिखते हो सिर्फ कोलन क्यू लिखते हो तो क्विट हो जाएगा एंड योर कंटेंट्स विल नॉट बी सेव्ड आप कोई भी टेक्स्ट फाइल बनाते हो ठीक है तो आप उसको सेव करते हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ओएस में हमने गए हमने सी एस सी में अंदर गए फिर हमने यहाँ पे न्यू कोई भी न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया ओके और उसको नेम दिया हेलो इस तरह का है ये सपोज ठीक है जो हम काम यहाँ पे कर रहे हैं विंडोज में वो लिनक्स में इस तरह से करते हैं जैसा कि हम अभी करके देख रहे हैं तो हेलो को मैंने ओपन किया एंड मैंने यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान ठीक है इस तरह से कंट्रीज के नेम लिस्ट आउट किए एंड मैंने उसको क्या किया सेव किया अगर मैं सेव नहीं करूंगी तो हो सकता है मेरे कंटेंट्स लॉस हो जाए ओके
तो यहाँ पे भी टू सेव द कंटेंट्स वी हैव टू राइट कोलन डब्ल्यू क्यू. ओके डब्ल्यू नहीं लिखोगे तो कंटेंट्स लॉस हो जाएंगे और ऐसे एग्जिट हो जाएगा एंड देन प्रेस एंटर. ठीक है नाउ यू वांट टू सी व्हाट इज देयर इनसाइड द फाइल. फाइल तो बन गई. ठीक है नाउ यू वांट टू सी व्हाट इज देयर इनसाइड द फाइल. तो हमारे केस में आप क्या करते हैं आप यू विल डबल क्लिक ऑन. जैसे आप डबल क्लिक करोगे यू कैन सी द कंटेंट्स इनसाइड द फाइल. But in this case, what you will do? Cat command. There is cat command. Cat hello. ठीक है? आप cat space hello लिखो, आपको अंदर के contents दिखाई देंगे. Okay? Okay? Clear? Yes. Yes, ma'am. Now, so vi editor is clear right now. There is another method we can create a file which is using touch command. Touch command aapke let me see kahan pe ye raha file processing. theek hai so using touch command also you can create a file. theek hai but using touch command we will create an empty file. for example suppose touch case maine name diya टच स्पेस और सपोज ले लो और डी सी एल. ठीक है तो यहाँ पे ये एम्प्टी फाइल क्रिएट हो गई. ठीक है नाउ दिस इज एन एम्प्टी फाइल राइट नाउ. अभी मुझे देखना है टच में क्या है कैट सॉरी डी सी एल में क्या है कैट डी सी एल. तो कुछ नहीं है डी सी एल बिकॉज दिस इज एन एम्प्टी फाइल. तो इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट एन एम्प्टी फाइल. ठीक है आपने सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दे दिया उसका नाम रख के दे दिया लेकिन इनसाइड कोई कंटेंट नहीं है दैट इज एन एम्प्टी फाइल. तो ऐसा भी पॉसिबल है यूजिंग टच कमांड. नाउ यू वांट टू राइट एनीथिंग इनसाइड डीसीएन तो अगेन यू विल यूज यू कैन यूज वीआई डीसीएन. आप डीसीएन को ओपन करो यूजिंग वीआई एडिटर प्रेस इंसर्ट कमांड. आप यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो लिख लो. ठीक है आप यहाँ पे दैट एस्केप colon wq enter. now I want to see what is inside dcn. ठीक है तो hello india. now here you can see the contents of dcn right. so using touch command we can create an empty file. okay there is also another way to create a file using command or using cat command. cat space suppose मैं देती हूँ डा सब्जेक्ट नेम. ठीक है तो यहाँ पे यू हैव टू राइट द कंटेंट्स एट द सेम टाइम. ठीक है तो आप अपने हमने लिखा भाई एल्गोरिदम. ठीक है एंड मैंने इसको एग्जिट कर दिया. नाउ कैट डा लेट मी सी how can we create command using cat command. how can we create file using cat command. okay so cat space file one displays the contents of the file we know. okay so dekh sakte ho aap yahan cat hello.txt hi how are you I'm inside this jsl. so yahan pe वो कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हैं. ओके देन फाइल क्रिएशन यूजिंग कैट कमांड. कैट दिस एरो की एंड देन नेम ऑफ द फाइल. ओके सो कैट एरो की नेम ऑफ द फाइल एंड हाउ डू वी एग्जिट प्रेसिंग द डी की. ओके एंड देन प्रेसिंग द एंटर की एंड फाइनली साइमल्टेनियसली प्रेसिंग द कंट्रोल एंड डी की. ओके to save the cat contents inside the cat command what you will do suppose cat space dusra koi subject le lete hain hum like c c++. okay so enter cat and then this arrow and then cp. ab mujhe yahan pe kuch likhna hai. theek hai so programs maine yahan pe programs likha. Now what I will do? Control D. Enter Control D. ठीक है एंटर करूंगी एंड देन आई विल प्रेस कंट्रोल डी. एक बार और दिखा देती हूँ कैट सी पी पी. ठीक है
XCPP कैपिटल लेटर में है तो वो प्रोग्राम दिखा रहे, ठीक है। अगेन मैं बताती हूँ, कैट एरो एंड देन सपोज एआई, ठीक है, एंटर। नाउ इट विल आस्क मी फॉर द कंटेंट, तो मैंने जो भी इस तरह से कुछ कंटेंट डाल दिए, ठीक है, एंटर एंड देन कंट्रोल, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल एंड डी, कंट्रोल डी प्रेस करते सेव हो जाएंगे कंटेंट्स एंड यू विल बी आउट ऑफ द फाइल। नाउ आई वांट टू सी द कंटेंट्स, सो एआई कैट एआई, सो इट विल शो मी द कंटेंट्स। ओके, आ रहा है समझ में, क्लियर आप लोगों को? यस मैम। क्या 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 कंट्रोल कंट्रोल ई, ओके चेक करते हैं। सो कैट स्पेस सपोज सीएनएनएस, मैं कंट्रोल ई प्रेस कर रही हूँ, तो कंट्रोल ई से इस पे तो नहीं हो रहा है, कंट्रोल डी से हो गया, ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट इज ओके। नाउ फाइल प्रोसेस, फाइल हैंडलिंग कमांड, ठीक है। तो सीपी, सीपी इज फॉर कॉपी। अब कॉपी यानी कि आपको एक फाइल एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी करनी है। सपोज मैंने क्या किया, सीपी सीपी सीआरएनएस वहां पे कॉपी करना है मुझे उसे ओएस में, ठीक है। नाउ लेट सी एलएस कमांड, तो यहाँ पे सीआरएनएस तो है ही, मैंने इसको मूव नहीं किया है। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मूव एंड कॉपी। कॉपी में क्या होगा, रूट पे तो रहेगा ही सीआरएनएस, पर वो एक और जगह उसकी दूसरी कॉपी ओएस में क्रिएट हो जाएगी, राइट। मूव में क्या होता है, जो फाइल है वो मूव कर जाएगी फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी, ठीक है। सो अब अगर मैं देखना चाहती हूँ ओएस में, तो सीडी ओएस एंड देन मैंने यहाँ एलएस किया, तो हियर यू कैन सी कॉपी ऑफ सीएनएनएस इज क्रिएटेड हियर आल्सो। ओके, नाउ मूव हमने पढ़ी लिया है। आरएम इज फॉर रिमूविंग द फाइल। सपोज मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आर एम सी आर एन एस, ठीक है, तो यहाँ पे सी आर एन एस रिमूव हो गया। अब मैं एल एस करती हूँ, तो हियर यू कैन सी ओ एस में पहले सी आर एन एस था, बट नाउ ओ एस में सिर्फ हेलो डॉट सी है। वाई, बिकॉज वी हैव रिमूव्ड सी आर एन एस फाइल फ्रॉम ओ एस। ओके, तो आर एम, नाउ सॉर्ट, फॉर वॉट पर्पज सॉर्ट इज यूज, टू सॉर्ट द कंटेंट्स ऑफ द फाइल, ठीक है। नाउ सपोज कंटेंट्स ऑफ द फाइल, मैंने वो कौन सी फाइल बना दी जिसमें मैंने एशियन कंट्रीज के नेम्स लिखे थे, सीडी स्पेस डॉट डॉट करना, ओके एलएस, तो मैंने हेलो में लिखे थे एशियन कंट्रीज के नेम। सपोज लेट्स सी, अब कैसे देखना है मुझे भाई कंटेंट ऑफ फाइल, तो मैं कैट कमांड यूज करूंगी, कैट हेलो, हाँ तो मैंने एशियन कंट्रीज के नेम हेलो में लिखे थे। नाउ आई वांट टू सॉर्ट, सॉर्ट द कंटेंट्स ऑफ हेलो, तो मैंने क्या किया, सॉर्ट हेलो। तो आप देख लो पहले ए बी सी डी, पहले अफगानिस्तान आ गया, पहले इंडिया था, बट नाउ इट इज सॉर्टेड अल्फाबेटिकल वाइज, अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो सॉर्ट इज यूज फॉर सॉर्टिंग पर्पस। कैट आपको पता ही क्यों यूज होता है, ओके। पीजी, फॉरवर्ड पर्पस पीजी इज यूज, पीजी विल नॉट वर्क हियर, बट आप मैन करके पीजी का जो है डिस्क्रिप्शन, इट विल नॉट वर्क हियर, ओके। हेलो मैम, ये आपने सॉर्ट कमांड अभी जो यूज किया वो फाइल में सॉर्टेड सेव करेगा या फिर आउटपुट के लिए सेव करेगा? नहीं नहीं, सिर्फ आउटपुट के लिए। आप फिर से देख लो, अगेन यू कैन सी कैट हेलो,
वहां तो अंदर तो सेम ही है कंटेंट्स, ठीक है, बट वो हमें सिर्फ आउटपुट के लिए दिखा रहा है सॉर्टिंग ऑर्डर में, ठीक है ना? यस मैम। जस्ट अ मिनट। PG command, let's see if it is there, if it is working. I don't think so. PG command Linux. PG displays a text file pausing after each page, the height of the terminal screen. But यहाँ पे man डालने में कुछ आ नहीं रहा है तो syntax of PG. Okay. करके देखते हैं try PG and then file name. Okay, so PG command यहाँ work नहीं कर रही है. Telnet में भी I don't think it was working. That's why मैंने नहीं डाला है यहाँ पे उसको. So आप रहने देना ये command और just you can write its description, ठीक है? LP command. LP भी I don't think it is working. Because LP is for line printer. तो printer से तो कुछ है नहीं हमारा attached या कुछ है यहाँ पे. So LP का भी आप description लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है? PG LP रहने दो, PR भी रहने दो, because PR is also for printing, ठीक है? Printing के लिए use होता है ये PR command भी, so leave it also. File command, let's see, file command होता है कि नहीं? File, hello. Okay, तो file command हमें बताता है कि वो जो file है वो किस type की है. तो मैंने लिखा फाइल हेलो, तो इट इज टेलिंग मी दैट इट इज एन ASCII टेक्स्ट फाइल. ओके, तो द टाइप ऑफ फाइल इज गिवन बाय द फाइल कमांड. तो PG LP PR आप रहने देना, देयर विल फाइल कमांड जो है वो डायरेक्टली आप यूज करें. देन मैं आपको काफी सारे कमांड यहाँ पे बता देती हूँ. हेड, टेल और टच तो मैंने बता ही दिया है. आप लोग फाइंड, मोर, कंपेयर. कंपेयर या क्या करता है, दो फाइल्स के कंटेंट्स को कंपेयर करता है, ठीक है? इसी तरह से डिफरेंस एंड देन POMM मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. ये अपलोड कर देती हूँ मैं एंड देन यू कैन फाइंड आउट व्हाट कमांड इज डूइंग व्हिच फंक्शन एंड देन प्लीज स्टार्ट परफॉर्मिंग योरसेल्फ. ओके, मैं बता देती हूँ यहाँ पे फाइल कमांड्स तक. आज आपको सिर्फ फाइल कमांड्स तक ही करना है. फॉर्म कमांड आई डोंट थिंक कि था, देख लेते हैं. यहाँ तक आज आपको इंप्लीमेंट करना है. ओके, फाइल हैंडलिंग आगे से हम फिर नेक्स्ट कमांड लैब में करेंगे, बट आपको आज यहाँ तक के स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं, ठीक है? तो फाइंड कमांड, लेट्स सी. सो दिस इज द फाइंड कमांड. So find command is used for searching files in the directory. So what you can do, find and then name of the file. ठीक है, तो वो आपको path बता देगा कि भाई वो file कहाँ पे पड़ी हुई है. ठीक है, we can try here. So find hello. ठीक है, so it will give the path कि भाई ये root में ही है. चलो हम OS में जाके देखते हैं. Now we are in OS. यहाँ पे मैंने hello.c फाइल है, तो find hello.c. Why it is giving
find hello dot c. Okay, find bench. Suppose मैं OS में जाके bench dot py search करती हूँ, तो ये तो है नहीं OS में, तो मुझे no such file मिलेगा. Find is used to, why find is not working here? Hyphen name. Syntax में hyphen name and then quotes. देखते हैं चलो. Find पाथ बताना चाहिए बट ये नहीं बता रहा है. आई डोंट नो व्हाई बट इट शुड मेंशन द पाथ. सॉरी, स्टार्ट सर्चिंग. हाँ, लाइक जेएसएल अकाउंट में हमने यहाँ पे हाई डॉट टी एक्स टी मैंने सर्च किया है तो आ गया था. आप क्या बोल रहे हो, मुझे इसको कहाँ सर्च करना है? मैम आफ्टर फाइंड लाइक इंसर्ट स्लैश After find slash slash okay then hyphen name and file name. Hyphen name then space name of the file. Ma'am, space will come after that slash. Okay, hyphen name and then file name bench in inverted commas. राइट, यू आर राइट. आ गया यहाँ से. ठीक है, रूट में बेंच डॉट वाई. ओके, तो यहाँ तो हो गया था टेलनेट में, तो आई डोंट नो बट यू आर राइट, इट इज वर्किंग इन दिस वे इन दिस जेएसई. ओके, सो आप देख लेना भाई सिंटेक्स क्या है, कहाँ कैसा वर्क कर रहा है. गुड, किसने बोला ये अभी? ओके साक्षी, थैंक यू. तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा भाई किस तरह से सिंटेक्स देना है. ओके, देन मोर कमांड, सीएमपी कमांड, डिफरेंस कमांड, हेड, टेल, कट, ग्रेप, टच, टीआर एंड यूनिक. ठीक है, ये सब आपको इजीली मिल जाएंगे. इनका आई होप आप लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया और इनकी फंक्शनिंग. यू हैव टू नाउ इम्प्लीमेंट ऑल दीज कमांड्स. ओके, एक दो और कमांड्स देख लेते हैं लाइक हेड एंड टेल. ठीक है, तो नाउ सपोज हेड एंड टेल क्या करता है. इफ आई एम राइटिंग हेड, ओके, इन हेड ओएस, हेड हाइफन. सपोज पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चलो अपन देख लेते हैं हेलो में क्या है. सो कैट हेलो, ओएस में कैट हेलो नहीं था, हेलो डॉट सी. ओके, हेलो डॉट सी. ठीक है, डॉट सी. ओके, डॉट सी नहीं, हेलो वाली फाइल चाहिए. दैट इज इन रूट एलएस. सो यहाँ पे जो ये हेलो फाइल है डॉट टीएक्सटी वाली, वो हमें चाहिए. कैट हेलो. सो इसके कंटेंट्स आप लोगों को याद है, ये इसके कंटेंट्स. नाउ इफ आई वांट टू डिस्प्ले ओनली वन कंटेंट और टू कंटेंट, तो आई विल यूज हेड हाइफन वन. ठीक है, एंड देन नेम ऑफ द फाइल हेलो, वो मुझे सिर्फ इंडिया देगा. इसी तरह से अगर मैंने हाइफन टू किया तो वो मुझे इंडिया और पाकिस्तान देगा. हाइफन थ्री किया तो वो मुझे
इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान, अगर आप हाइफन में कुछ नहीं लिख दो तो बाय डिफॉल्ट टॉप 10 लाइंस जो होती है वो दी जाती है, बट हमारे यहाँ ऑलरेडी 10 से कम ही लाइंस है तो सारी की सारी डिस्प्ले हो जाएगी. ठीक है, इन द सेम वे टेल, टेल स्पेस हाइफन वन सपोज हेलो, तो वो सिर्फ क्या देगा, रशिया देना चाहिए था, हाइफन टू स्पेस हाइफन टू रशिया. ओके, वन क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एक एक्स्ट्रा स्पेस है एज अ कंटेंट. ठीक है, हाइफन थ्री रशिया एंड जापान, तो टेल क्या करेगा, हमें नीचे से ऊपर कंटेंट्स देगा इस तरीके से, राइट. सो नाउ कैन यू डू इट ऑल द कमांड्स, कैन यू ट्राई ऑल दीज कमांड्स, प्लीज टेक. मैंने ये ड्राइव पे रखी है, इफ यू वॉन्ट द लिंक ऑफ दिस आई कैन गिव यू द लिंक ऑफ दिस फाइल. और मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ. ठीक है, आप देख लो, आपको चैट बॉक्स में मिल गया है लिंक, कैन यू ओपन इट. Can you open it? No, ma'am. Okay. So, will you be now able to do all these commands? Up to file handling तक आपको पूरा करना है, right? Ma'am, the file is not getting open. It requires access. Ma'am, the link you have shared. कौन सी क्लास है ये, 19 BCAC. ठीक है, ठीक है, चेक करो प्लीज, चेक नाउ. अच्छा, एक चीज और देख लो, देयर आर वेरियस अदर आल्सो फंक्शंस ऑफ कैट कमांड. ओके, कमांड देख लो, यहाँ पे दिया हुआ ही है, कंपेयर द टू सॉर्टेड फाइल्स. ठीक है, स्क्रीनशॉट के साथ सब दिया हुआ है. TR कमांड, ठीक है, TR कमांड भी है, देन फाइंड कमांड भी है ही, फाइल कमांड भी है, उसके अलावा भी अलग दूसरी कमांड्स का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ ही है, यू कैन सी. कंपेयर कमांड भी है, ओके, बट इट कंपेयर्स द फाइल बाइट बाय बाइट. ठीक है, इट कंपेयर्स टू फाइल बाइट बाय बाइट, तो नंबर ऑफ बाइट्स इट विल कंपेयर. देन There is TR command. So TR command क्या करता है, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा. ओके, तो TR commands translates और सब केस चेंज में हेल्प कर करता है, लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, इस तरीके से. ठीक है, TR command का भी description यहाँ दिया ही हुआ है. And then there is unique. So unique command क्या display करेगा, suppose हमारे पास एक file है cat, try.txt, और दूसरी उसमें कंटेंट सब देख सकते हैं, डबल ए डब एन, तीन बार बी बी और एक्स एक्स है, तो इट विल गिव द यूनिक कंटेंट, यानी डुप्लीकेट कंटेंट्स जो है वो रिमूव कर देगा, और वन टाइम ही ए ए देगा, वन टाइम ही बी बी देगा, और वन टाइम ही एक्स एक्स देगा. ठीक है, सो दो बार ए ए नहीं देगा और तीन बार बी बी नहीं देगा, ओनली वन. सो इट विल
give only once. ठीक है, each content it will not repeat the contents. Okay, so unique command इसलिए काम आता है. Then sort तो मैंने आपको बताया है, it will sort the numbers or the contents inside the file. Okay, then paste command और भी सारी जो commands हैं, print, pr तो work नहीं करेगा. However, cut command जो है वो किस लिए काम आता है, इफ यू आर राइटिंग कट हाइफन सी फॉर स्टूडेंट्स डॉट टी एक्स सी, तो जो पहले चार कंटेंट्स है उसको वो कट कर देगा. ठीक है, तो यहाँ सब टेल जैसा कि मैंने आपको बताया किस काम आता है. देन इसी तरह से हेड है. ओके, हेड भी मैंने आपको बताया. ठीक है, नाउ मैं देख क्या रही थी एक्चुअली. ठीक है, तो आप ये सारे कमांड्स ऑलमोस्ट जो मैंने आपको शेयर किया है डॉक्यूमेंट उसमें है ही. नाउ यू जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट दिस कमांड्स एंड टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड अपलोड इट और पेस्ट इट इन योर फाइल जो आपने लास्ट टाइम क्रिएट की हुई. ओके, हो जाएगा इतना आज? यस मैम. ओके, so please start doing it. In case कोई doubt है तो you can ask me. Otherwise you can leave. Okay? Ma'am, I have one doubt. Hmm. Ma'am, due to some connectivity issues, I joined 10 to 15 minutes late. So ma'am, my attendance. क्या रोल? D20 DCS 179. भाई time पे join कर लिया करो. Okay ma'am. ठीक है, ओके, थैंक यू मैम. ठीक है, प्लीज इम्प्लीमेंट कर लो ये सारी कमांड सो दैट नेक्स्ट टाइम हम ये प्रैक्टिकल कंप्लीट कर ले, बाकी की कमांड्स इम्प्लीमेंट करके, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टार्ट ऑल दीज शेल स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम्स. ओके, तो ये जो शेल स्क्रिप्ट प्रोग्राम है उसमें मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक साथ, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इन द मींस थर्ड वाला जो पूरा है वो, एंड एक ही दिन में कंप्लीट करना रहेगा, बिकॉज इसमें कुछ है नहीं, फिबोनाची फैक्टोरियल करना है बट यूजिंग शेल स्क्रिप्ट. ठीक है, तो ये एक साथ ही तुमको दे दूंगी मैं, कर राइट, तो बेटर है कि साथ साथ परफॉर्म करते जाओ. ठीक है, okay, you can leave now. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.